शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम थर्ड क्लास में सिपिया ऑफिसिनेलिस दवा की कॉजिशंस पढ़ रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी कॉजिशंस हैं। आपको पता है कि किसी भी दवा की जो कॉजिशंस होती हैं वो टॉप रैंक में होती हैं, हमें टॉप प्रायोरिटी पे होती हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। अगर हमें में कॉजिशन मिल जाती हैं तो फिर हमें बाकी सिम्टम्स हमारे लिए कितनी वैल्यू की हामिल नहीं रहती। अगर प्रॉपर कॉजिशन और वो कॉजिशन बाकी उसकी कॉजिशन भी हो पेशेंट की, ठीक है। तो कॉजिशन में नंबर वन एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंड लग जाने की वजह से को प्रॉब्लम्स आ गए, पट्ठों में दर्द होगी, मस्कुलर पेन हो गया, ठीक है। लॉन्ड्री वर्क, किसी खातून ने कोई लॉन्ड्री का काम किया, कपड़े धोए ज़्यादा, तब मर्द ने या औरत किसी ने भी धोए तो कपड़े धोने की वजह से जिस्म में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, टांग में दर्द है, एक और मसला हो गया। अल्कोहल का इस्तेमाल करने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये भी CPS को कवर करती है। टबैको का इस्तेमाल करने से भी कुछ लोगों के चक्कर आ जाते हैं या और मसले मसाले पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। तो वेटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, अच्छा वेटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस ये बहुत बड़ी बात है कि मेंस अक्सर हम अपनी स्टूडेंट्स को, बच्चियों को, बेटियों को ये बताते हैं पढ़ाते हुए कि खुदा रहा एज ए डॉक्टर दूसरों को आगे एडवाइस भी करें कि मेंसेस के दिनों में अपने आप को ज़्यादा भीगा मत रखें। उससे पहले भी चंद दिन पहले प्री एंड पोस्ट पे भी आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक भीगे ना रहें। ऐसा रहने से अगर किसी के अंदर उसकी सेंसिटिविटी है तो मे भी किसी की मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाए, स्प्रेस हो जाए, तो वो नया ब्लैंडर खड़ा कर दे। मेंस्ट्रुएशन का बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना या स्प्रेस हो जाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम बुला करके रख दिया उसने। सो कोई ज़रूरत नहीं है इन दोनों में खाम खामे अपने आप को ज़्यादा भिगोने की। तो वेटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। नंबर सिक्स है आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद अगर तकलीफ होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है तो सीपीए दवा बनती है हमारी। गोइंग अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल रहा है या कोई और इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, आफ्टर क्वेश्चन सेकेंड इंटरकोर्स के बाद कोई वीकनेस है या कोई और मसला मसाले आ जाते हैं, चेंज ऑफ वेदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, रूम फ्राम कोल्ड एयर ठंडी हवा से, ठीक है, ज़्यादा देर तक आप ठंडी हवा में रहे, ठीक है, उसके बाद पैरालिसिस हो गया या कोई और मसला हो गया, मसल के अंदर कुछ स्पैज़म आ गया, ठीक है, तो ये कवर करेगी दवा। मिल्क से, एसिड से, फैट से, अब दूध पीने की वजह से जो प्रॉब्लम आ जाते हैं बाल लोगों में, ठीक है, अब आपको पता है कि जो मिल्क है वो और किस किस दवा में डिसएग्री है और किलकिरी का में भी दूध डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो इससे सीपिया में भी दूध जो है वो डिस्टर्ब करता है बाल लोगों को, जिनको दूध डिस्टर्ब करे सीपिया दें। और एसिड्स का इस्तेमाल, ये खट्टी चीज़ें बाल को डिस्टर्ब करती हैं, फैट्स बाल को जो फैटी चीज़ें हैं वो तंग करती हैं, बिफोर थंडर स्टॉर्म। अच्छा, इसमें एक ये भी इसकी बड़ी कॉजिशन है कि जैसे कोई तूफान बाद बारह आना है, ठीक है, कोई थंडर स्टॉर्म आना है तो उससे पहले ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइकोटिक मिजाज भी इसके अंदर पाया जाता है, तो साइकोटिक मिजाज में मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। अब हम इसकी फिज़िकल जनरल सिम्टम देखते हैं तो रिएक्शन टू हीट एंड कोल्ड, वेरी चिली, इसका पेशेंट बहुत चिली होता है, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वेरी चिली पेशेंट। अवर्जन में ब्रेड है जिससे उसको नफरत है, ब्रेड से, फैट से, रिच फूड से, स्मेल ऑफ फूड से, मीट से, मिल्क से, साल्ट फूड यानी साल्टी नमकीन चीज़ें, इनसे इसको नफरत है पेशेंट को। डिज़ायर्स में अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एसर्ट, स्वीट्स, मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें और खट्टी चीज़ें, इस तरह से, ठीक है। स्वेट, डे टाइम में इसको बहुत पसीना आता है, आफ्टर वेकिंग जब सो के उठता है तो तब भी पसीना आता है, ऑन अफेक्टेड पार्ट जहाँ पर दर्द हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पर भी सीपिया को परस्पिरेशन बहुत तसलीम में। स्लीपिनेस इन मॉर्निंग, ट्विचिंग ऑफ लिम्स,
स्लीपीनेस इन मॉर्निंग, डे टाइम में सुबह के वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे गुनगुनी किसी रहती है जैसे बंदा टोन सा रहता है, इस तरह की कंडीशन रहती है, और टांगों में ट्विचिंग, फड़फड़ाहट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स में एमरस ड्रीम्स, इश्क मोहब्बत के ख्वाब आते हैं, एंक्शस, थ्रीट ऑफ रेप, इस तरह के आते हैं ख्वाब को इसको रेप ना कर दे, ठीक है। इस तरह से रेड्स, चूहे नज़र आते हैं ख्वाब में, ठीक है। तो एपिटाइट में इसके कैनाइन हंगर और नो एपिटाइट कैनाइन हंगर, कैनाइन हंगर यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना और खाते रहना, कैनाइन जो हमारे डॉग लाइक एनिमल्स हैं उनको कैनाइन कहते हैं। तो इनकी ये आपने देखा होगा कि डॉग को जब भी देखेंगे वो खा ही रहा होता है, खाता जाता है, खाता जाता है, रुकता नहीं खाने से। इस तरह से इसकी भूख भी ऐसी होती है, कैनाइन हंगर होती है या फिर होती नहीं, ठीक है। थर्स्ट में थर्सलेसनेस, इसमें प्यास निष्ठा, प्यास नहीं होती पेशेंट को, प्यास नहीं लगती। तो मोडालिटीज में एग्रेवेशन मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, यानी सुबह के वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के वक्त इसकी अलामत में इजाफा होता है, ठीक है। वॉशिंग, लॉन्ड्री वर्क, डैम्पनेस, वॉशिंग से, धोने, नहाने धोने से, ठीक है, लॉन्ड्री वर्क करने से कपड़े बहुत ज़्यादा धो लिए तो पहले भी जोड़े में दर्द तो और बढ़ गए, तो फिर सीपिया दबाव की इंडिकेटेड होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे इसके ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, आफ्टर स्वेट, पसीना आने के बाद इसकी अलामत में, बीमारी की जो अलामत होती है उसमें इजाफा होता है, बल्कि कमी नहीं आती। कोल्ड एयर से भी, ठंडी हवा भी इसको सूट नहीं करती, बिफोर थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म से पहले इसकी जो अलामत हैं उनमें इजाफा हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाती है। मेलोरेशन में इसकी जो अलामत में जो कमी आती है वो बाई एक्सरसाइज, प्रेशर, वार्मथ ऑफ बेड, बाई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से अलामत में कमी आएगी, प्रेशर से कमी आएगी, वार्मथ ऑफ बेड। अब याद रखें कि वार्मथ ऑफ बेड सल्फर के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, वार्मथ ऑफ बेड मर्क्यूरीज के लिए भी, उसमें भी प्रॉब्लम होती है वार्मथ ऑफ बेड से, पल्सटीला को भी वार्मथ ऑफ बेड से प्रॉब्लम होती है, मेड्राइनियम को भी वार्मथ ऑफ बेड से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको वार्मथ ऑफ बेड से रिलीफ मिलता है, राइट। वार्मथ ऑफ बेड, हॉट एप्लीकेशन से भी इसको, इसकी अलामत में कमी आती है। ड्राइंग लिम्स अप, कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से नहाने से भी, ठंडे पानी से नहाने से इसको थोड़ा सिम्टम में कमी आएगी। वायलेंट एक्सरसाइज आफ्टर स्लीप, सोने के बाद ये बेहतर फील करता है, और जब ये पेशेंट शदीद यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, देन ही फील्स बेटर। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने सीपिया ऑफिसिनेसिस की कॉजेशन पढ़ी और उसकी फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी माइंड की सिम्टम पढ़ेंगे और गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।